वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ रिलेशंस है। क्या रिलेशंस है? साइन इक्वल्स टू वन बाई कोसेक थीटा, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। साइन के साथ कोसेक का रिलेशन है, इन्वर्स है। कोसेक कॉस है सेक के साथ, सेक है कॉट के साथ, ये इसका इन्वर्स रिलेशन है। और टेन है साइन बाई कॉस, तो कॉस एंड टेन जैसे इन्वर्स है, तो कॉट है कॉस बाई साइन। ठीक है, मतलब टेन के साथ साइन एंड कॉस का रिलेशंस है, टेन साइन बाई थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इन्वर्स। तो ये तो हो रहा है, ये हम लोगों का नॉर्मल रिलेशंस है। अब ये याद रखना है, इसको याद रखोगे तो सारा रिलेशन याद रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो साइन थीटा क्या होगा, अगर कॉस थीटा इधर ले जाओ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को क्या पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस थीटा। तो अगर रिलेशंस वन को अगर हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, मतलब इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो तब जाके क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब वन आ जाएगा। एंड वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, वन बाई कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा। ये नहीं है कि टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इक्वल्स टू वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, पर टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन इक्वल्स टू, इसको तो इधर उधर करके हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक थीटा रूट ओवर टेन स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये इक्वेशन को अगर हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और सॉरी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर वन बाई साइन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी हुआ, ये एक आइडेंटिटी हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और ये एक हुआ वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं कुछ वो आइडेंटिटीज़ के लेके कुछ यहाँ पे सम्स। तो फर्स्ट वहाँ इस जो आइडेंटिटीज़ को रिमेंबर तो हम लोगों को करना है, वो रिमेंबर करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहता है, तो उससे हम लोग बाकी रेशियो को निकल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू एट बाई फिफ्टीन, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या याद रखना है कि टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये याद रखना है। चाहिए क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा है हम लोगों का परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस। तो टेन थीटा है मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस दिया हुआ है, तो हम लोगों को चाहिए हाइपोथेनस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है उसको देखना है। तो टेन थीटा है एट बाई फाइव, मतलब क्या है, मतलब एट बाई फाइव इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा। तो P इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, P इक्वल्स टू मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि तुम लोग रेशियो में भी किए हो कि कोई रेशियो अगर इक्वल्स टू होता है तो हम लोग डायरेक्ट P इक्वल्स टू एट नहीं लिख सकते। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, एट के। एंड बेस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बेस इक्वल्स टू लिखोगे फाइव के। ठीक है, P इक्वल्स टू एट के, बेस इक्वल्स टू आई के, तो P एंड B मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्या पता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ पे वैल्यू बीटा के हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। के को लेके ही करोगे, के काट जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, पी तो है हम लोगों के यहाँ पे एट के, एंड एच है हम लोगों का यहाँ पे कहाँ गया, एच
हाँ एच यहाँ पे निकला 17 के, तो 8/17 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आइडेंटिटीज यहाँ पे दिया रहेगा तो उसको देख के हम लोगों को निकालना है। अब हम लोगों का नेक्स्ट सम्स है साइन ए इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ठीक है, साइन ए मतलब क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, तो वो क्या दिया है, पी बाई क्यू दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या होगा, पी के, एंड हाइपोथेनस इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू के। ठीक है, तो ये दिया हुआ है और हम लोगों को क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो इस तरीके से निकालोगे तो बहुत आसान होगा। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू पी के, हाइपोथेनस क्यू के, तो बेस क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से बेस आ जाएगा। बेस वैल्यू बिठा के क्या बेस आ रहा है, बेस इक्वल्स टू के इक्वल्स टू रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। अब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर क्या है, पी के, तो पी के डिवाइडेड बाई बेस क्या निकला, के इक्वल्स टू रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो क्यू का माइनस पी स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया हम लोगों का टेन थीटा। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10, 1/10 मतलब 10 का रिवर्स, ये कॉट थीटा आ जाएगा। सेक थीटा हाइपोथेनस बाई बेस, हाइपोथेनस तो क्यू के था, तो क्यू के बाई रूट ऑफ के रूट ओवर बेस तो निकला, तो ये होगा केस थीटा। मतलब जो भी दिया रहेगा उससे परपेंडिकुलर हाइपोथेनस, मतलब अगर साइड का वैल्यू दिया रहता है तो कोई भी उसका एक पी एच बी निकाल के, बाकी का पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट है कि इफ 5 cot theta प्लस cosec theta इक्वल्स टू 5 cot theta माइनस cosec theta इक्वल्स टू 7/3। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यू, रेशियो का वैल्यू अगर कुछ दूसरे रेशियो से दिया रहता है तो क्या है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर इस तरीके से रहेगा तो तुम लोग तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखे हो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ करोगे तो ये जो इतना प्लस प्लस है वो कट जाता है, तो कट के क्या आ जाएगा, अल्टीमेट 10 cot theta 2 cosec theta = 10/4। तो इसको भी काटोगे तो क्या आ गया, cot theta / cosec theta = 1/2। ठीक है, अब cot theta = क्या है, cos/sin, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, कॉस चाहिए, जो चाहिए उस पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर टेन चाहिए तो टेन में, कॉस चाहिए तो कॉस में, जिस पे चाहिए, तो यहाँ पे cot theta = cos theta / sin theta कर सकते हैं, और cosec theta = 1/sin theta। तो यहाँ से काट के हम लोगों को क्या आ जाएगा, cos theta = 1/2। ठीक है, क्या निकालना है उसको ध्यान से ध्यान में रख के हम लोगों को ये कन्वर्शन करना है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड सम्स है, यहाँ पे देखो, फ्रॉम द टू रिलेशंस, जो रिलेशंस दिया हुआ है 2x = 3 sin theta, 5y = 3 cos theta, तो थीटा को इलिमिनेट करके एक्स एंड वाई का रिलेशन चाहिए। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे 5y = 3 cos theta, तो cos theta = क्या होगा, 5y/3, 2x = 3 sin theta, तो sin theta = 2x/3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये तो रिलेशन आइडेंटिटीज का हम लोग जानते हैं, cos² theta / sin² theta = 1, मतलब जो थीटा का वैल्यू रहेगा उसका रिलेशन से ही तो बढ़ना होगा, क्योंकि हम लोगों को थीटा को हटाना है। तो cos² theta / sin² theta करके हम लोगों को क्या निकला, तो ये रिलेशन आ जाएगा इक्वल्स टू करके। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा रिलेशन दिया हुआ है और कौन सा बनाओगे तो वो देख के हम लोग ये करना होगा। ओके,